स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है? ए आषाढ़ में पूर्णिमा का दिन, बी आषाढ़ में अमावस्या का दिन, सी वैशाख में पूर्णिमा का दिन, डी वैशाख में अमावस्या का दिन। आंसर सी वैशाख में पूर्णिमा का दिन। एक्सप्लेनेशन, बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती या बुद्ध के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है 23 मई 2024 को मनाई गई। गौतम बुद्ध को इसी शुभ दिन पर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ए ज्योति रात्रे, बी अरुणिमा चौधरी, सी आशालता सिन्हा, डी सोनी कुमारी। आंसर ए ज्योति रात्रे। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। 55 वर्षीय रात्रे मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इससे पहले साल 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहल थी। रात्रे का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का ये दूसरा प्रयास था। साल 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 8160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी? ए 2.82 लाख करोड़ रुपए, बी 1.5 लाख करोड़ रुपए, सी 1.85 लाख करोड़ रुपए, डी 2.11 लाख करोड़ रुपए। आंसर डी 2.11 लाख करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान की मंजूरी दी। ये निर्णय 22 मई 2024 को मुंबई में RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान किया गया। डिविडेंड भुगतान चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। अनुमान से अधिक लाभांश मिलने से सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए मलेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी जापान। आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और साल 2029 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शौ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए चंद्रकांत आर नारायण, बी विवेक आर रंजन, सी श्रीनिवास आर कुलकर्णी, डी अशोक मोहंती। आंसर सी श्रीनिवास आर कुलकर्णी। एक्सप्लेनेशन, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शौ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैल्टेक में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। उन्होंने अपनी PhD 1983 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से की थी। शॉ प्राइज खगोल क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग कितनी डॉल्फिन मौजूद हैं? ए 3,000, बी 4,000, सी 5,000, डी 6,000। आंसर बी 4,000। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4,000 डॉल्फिन मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या लगभग 2,000 है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों में मौजूद डॉल्फिन की संख्या के आधे से भी ज्यादा है। यूपी सरकार ने राज्य के लिए नई पर्यटन नीति लागू की और चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया। बिहार गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना में लुप्तप्राय डॉल्फिन की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाले भारत के पहली भारोत्तोलक कौन बन गई है? ए प्रीति स्मिता भोई, बी पायल कुमारी, सी ज्योश्ना सबर, डी बाबूलाल हेम्ब्रोम। आंसर ए प्रीति स्मिता भोई। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा की रहने वाली प्रीति स्मिता भोई लीमा पेरू ने विश्व युवा चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किग्रा में स्नैच में 57 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 76 किग्रा वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बन गई है। वही ओडिशा की ज्योश्ना सबर ने कुल 125 किग्रा 56 किग्रा 69 किग्रा के साथ रजत पदक जीता। अगला प्रश्न, किस एजेंसी ने नए अमेरिकी जासूस समूह के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया है? ए यूनाइटेड लॉन्च एलायंस,
बी इसरो, सी स्पेसएक्स, डी नासा। आंसर सी स्पेसएक्स। एक्सप्लेनेशन, 22 मई को स्पेसएक्स द्वारा नए अमेरिकी जासूसी समूह के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स ने परिचालन जासूसी उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया। इसे एक नए अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के हिस्से के तौर पर बनाया गया है। ये दुनिया में लगभग कहीं भी जमीनी लक्ष्यों की तेजी से पहचान करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न, भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? ए मिशन आकाश, बी मिशन गगन, सी मिशन एरावत, डी मिशन ईशान। आंसर डी मिशन ईशान। एक्सप्लेनेशन, भारत ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए पूरे देश में फैले अपने 4 हवाई क्षेत्रों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से न केवल एयरलाइंस को अधिक निर्बाध संचालन और उड़ान प्रबंधन क्षमता में वृद्धि से लाभ होने की उम्मीद है, बल्कि यात्रियों को भी भीड़भाड़ और उड़ान के समय में कमी आएगी। अगला प्रश्न, सुनीता विलियम्स अपने आगामी मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान का संचालन करेगी? ए बोइंग स्टारलाइनर, बी होरियन, सी सोयुज, डी स्पेसएक्स ड्रैगन। आंसर ए बोइंग स्टारलाइनर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के संचालन दल का नेतृत्व करेंगी। अगले महीने सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने निर्मित किया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी स्वीडन, डी फिनलैंड। आंसर बी भारत। एक्सप्लेनेशन, 100% बायोडिग्रेडेबल पेन को भारत में लॉन्च किया गया। इस पेन के निर्माता नई दिल्ली के एक स्थिरता अन्वेषक सौरभ एच मेहता ने अपने परिवार के प्लास्टिक पेन व्यवसाय से हटकर इस पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को विकसित किया। यह अभूतपूर्व पेन पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बना है, जिसमें एक ऐसी बॉडी है जिसमें धातु, कागज या बांस शामिल हो सकते हैं, और यह गैर विषाक्त स्याही का उपयोग करता है। रिफिल को रिसाइकल किए गए कागज से बनाया गया है, जो इसके संधारणीय डिजाइन पर जोर देता है। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए नया टीका विकसित किया है? ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आंसर ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। एक्सप्लेनेशन, इस वैक्सीन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक टीम द्वारा विकसित किया गया, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने किया। उनके शोध निष्कर्ष सेल प्रेस द्वारा आई साइंस जर्नल में प्रकाशित किए गए। अगला प्रश्न, कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? ए अदिति राव हैदरी, बी दीपिका पादुकोण, सी अनसुया सेंगुप्ता, डी उर्वशी रोतेला। आंसर सी अनसुया सेंगुप्ता। एक्सप्लेनेशन, अभिनेत्री अनसुया सेंगुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। वह कांस फिल्म फेस्टिवल में किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अनसुया सेंगुप्ता को बल्गेरियाई फिल्म निर्माता कॉन्स्टेंटिन बोजानोव द्वारा निर्देशित फिल्म शैमलेस में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। फिल्म शैमलेस एक सेक्स वर्कर की कहानी पर आधारित है, जो एक पुलिसकर्मी को चाकू मारकर दिल्ली के एक वेश्यालय से भाग जाती है। फिल्म संवेदनशील रूप से अस्तित्व और लचीलेपन की मानवीय कहानी को चित्रित करती है। अगला प्रश्न, 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित किया गया? ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। आंसर डी इंडोनेशिया। एक्सप्लेनेशन, 10वां विश्व जल मंच 18 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। इसका विषय साझा समृद्धि के लिए जल है। 10वां विश्व जल मंच एक अनूठा मंच प्रदान करता है, जहां जल समुदाय और प्रमुख निर्णयकर्ता सहयोग कर सकते हैं और वैश्विक जल चुनौतियों पर दीर्घकालिक प्रगति कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 1918 KSS शिराला जहाज के मलबे से प्राप्त दुर्लभ 10 रुपए के बैंक नोटों की नीलामी किस देश में होगी? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। आंसर बी यूनाइटेड किंगडम। एक्सप्लेनेशन, 1918 में लंदन से मुंबई जाते समय SS शिराला नाम का एक जहाज डूब गया था। इस जहाज पर जर्मनी की एक यू बोट सबमरीन ने टॉर्पीडो से हमला किया था। तब इस पर 213 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 7 भारतीय थे। SS शिराला जहाज से मिले 10 रुपए के 2 भारतीय नोट पर 25 मई 1918 की डेट लिखी हुई है, जिसे उस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने छापा था। इन नोट्स को लंदन में नूनंस में फेयर नीलामी घर में ब्रिकी के लिए रखा जाएगा। इनके 260,000 रुपए तक में बिकने की संभावना जताई गई है। नीलामी 29 मई को होगी।
कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? ए. सत्यजीत रे, बी. अनुराग कश्यप, सी. पायल कपाड़िया, डी. मीरा नायर। आंसर सी. पायल कपाड़िया। एक्सप्लेनेशन: फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी। कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइफ ने ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो पाल्मे डी ओर के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार था, जो अनोरा के लिए अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न। 26 मई 2024 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने? ए. दीपा कर्माकर, बी. साइना नेहवाल, सी. पीवी सिंधु, डी. मैरी कॉम। आंसर ए. दीपा कर्माकर। एक्सप्लेनेशन: दीपा कर्माकर ने 26 मई 2024 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के पोल वॉल्ट फाइनल में 13.566 के औसत स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? ए. चिली, बी. अर्जेंटीना, सी. ब्राजील, डी. स्पेन। आंसर डी. स्पेन। एक्सप्लेनेशन: स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देशों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास के तहत भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की कल्पना की थी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बन सकते। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश का बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन तक पहुँचा है? ए. ब्राजील, बी. बोलिविया, सी. भारत, डी. इटली। आंसर सी. भारत। एक्सप्लेनेशन: घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद मंगलवार को एक बड़ा रिकॉर्ड बना। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण MCAP पहली बार $5 ट्रिलियन 5,00,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये देश की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है। अगला प्रश्न। बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात का क्या नाम है, जो 26 मई 2024 को टकराया? ए. चक्रवात वेमल, बी. चक्रवात यास, सी. चक्रवात अम्फान, डी. चक्रवात फानी। आंसर ए. चक्रवात वेमल। एक्सप्लेनेशन: चक्रवात वेमल बंगाल की खाड़ी में 2024 का पहला प्री मानसून चक्रवात है। चक्रवात वेमल 26 मई 2024 की रात 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मुंडला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। इस दौरान तूफान ने बहुत तबाही मचाई। बंगाल में 6 और बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हो गई। रेमल अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। इसे ये नाम ओमान से मिला है। IPL 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? ए. विराट कोहली, बी. अभिषेक शर्मा, सी. नीतीश कुमार रेड्डी, डी. ट्रेविस हेड। आंसर ए. विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने 15 मैचों में 741 रन के साथ इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में ऑरेंज कैप जीती। वहीं पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल 14 मैचों में 24 विकेट लेकर IPL 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और पर्पल कैप अपने नाम कर ली। अगला प्रश्न। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? ए. लक्पा शेरपा, बी. पूर्णिमा श्रेष्ठ, सी. जनको ताबे, डी. पासंग लहामू शेरपा। आंसर बी. पूर्णिमा श्रेष्ठ। एक्सप्लेनेशन: गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने वाले श्रेष्ठ ने 12 मई 19 मई और 25 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ए. केरल, बी. उत्तर प्रदेश, सी. तेलंगाना, डी. मध्य प्रदेश। आंसर सी. तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन: तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। बता दें कि गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है?
ए BPCL, बी HPCL, सी अदानी ग्रीन, डी IOCL। आंसर डी IOCL। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए समझौता किया है। ये नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 26 मई, बी 27 मई, सी 28 मई, डी 29 मई। आंसर सी 28 मई। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है जिसे पहली बार साल 2011 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में कई लोगों के भूख संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड है। स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसका Su-30MKI प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? ए नाग, बी आकाश, सी रुद्रेमदो, डी ब्रह्मोस। आंसर सी रुद्रेमदो। एक्सप्लेनेशन, DRDO ने 29 मई 2024 को ओडिशा में भारतीय वायुसेना के Su-30MKI प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रेमदो मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुद्रेमदो एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित हवा से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। अगला प्रश्न, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? ए मेजर राधिका सेन, बी मेजर एंटोनियो गुटेरेस, सी मेजर रुचिरा कम्बोज, डी मेजर सुमन गवानी। आंसर ए मेजर राधिका सेन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC में उनकी सेवा के लिए 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता वर्ष से सम्मानित किया गया। उन्हें मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक अपनी तैनाती के दौरान स्थानीय समुदायों विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए पहचाना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकन्स 2024 कहां आयोजित किया गया? ए पेरिस, बी नई दिल्ली, सी न्यूयॉर्क, डी वियना। आंसर डी वियना। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में IAEA आइकन्स 2024 के तत्वावधान में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी का आयोजन वियना में किया गया। वर्तमान सम्मेलन में 130 देशों के विदेशी मामलों, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए रणदीप गुलेरिया, बी अपूर्व चंद्रा, सी टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, डी हर्षवर्धन। आंसर बी अपूर्व चंद्रा। एक्सप्लेनेशन, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHA कार्यक्रम 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में निर्धारित है जिसमें भारत समिति ए की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न, 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने? ए विल जैक्स, बी जोस बटलर, सी जॉनी बेयरस्टो, डी हैरी ब्रुक। आंसर बी जोस बटलर। एक्सप्लेनेशन, जोस बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में धुआंधार 84 रन की पारी खेलकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। जोस बटलर ने इस दौरान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए। बटलर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले पहले इंग्लिश क्रिकेटर बने। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 23 रन से मात दी।